आए दिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी एक्टिव दिखे हैं, वहीं गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी पीछे नहीं दिखी है। भले सीजेआई ने अभी तक नीट यूजी से जुड़े मैटर्स पर कोई फैसला नहीं दिया है, पर वहीं उन्होंने ये शो किया है कि वे एक रीटेस्ट के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। इस मामले में एनटीए और यूनियन काफी एक्टिव दिख रही है, पर वहीं आपको बता दें कि एक दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी भी है जो आए दिन बहुत फास्ट एक्शंस ले रही है, और हम यहाँ बात ईडी की कर रहे हैं, जहाँ दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में तो वे एक्टिव है और जल्दी ही इस स्कैम में जुड़े लोगों के रोल की जाँच करके मामला खत्म करेंगे। वहीं उन्होंने अभी एक बड़ा कदम झारखंड के लैंड स्कैम में भी उठाया है, जब उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है जिससे फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बेल मिली थी। न्यूज तो आ भी रही है कि जल्दी ही हेमंत सोरेन वापस से झारखंड सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं, पर अब जब ईडी ने ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि भले ईडी इन सारे केसेस में काफी एक्टिव दिखी होगी, पर एक केस में उन्होंने पिछले 4 सालों से कुछ नहीं किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट उनसे बहुत ही नाराज दिखी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 सालों से कोई प्रोग्रेस नहीं करने पर आखिर सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी मौजूद थे, ने ईडी को फटकारते हुए क्या कहा है और कैसे इस केस में एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी शामिल है, हम आगे देखेंगे। और ये भी देखते हैं कि एएसजी एसपी राजू ने ईडी की ओर से मौजूद होते हुए हियरिंग में ऐसा क्या कहा है जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक गई है। मामले की शुरुआत होती है फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अनिल टुडेजा से, जिसके पीछे आए दिन ईडी हाथ धोकर मानो पड़ गई है और जिन पे ईडी ने छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम में भी शामिल होने का इल्जाम लगाया है। इस मामले में भी अनिल टुडेजा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है और यहाँ तक कि जस्टिस अभय एस ओका की ही एक बेंच ने ईडी को खूब फटकारा भी था। पर जिस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बेंच कर रही है वो केस एक 2015 नागरिक आपूर्ति निगम स्कैम केस से जुड़ा है, और जिसमें फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा को एंटीसिपेटरी बेल 2020 में ही मिल चुकी है, और इसी बेल ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ईडी 2024 में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने दिखी है। जैसा कि आप यहां सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे कि इतने पुराने केस की यहां बात क्यों हो रही है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बेंच भी काफी परेशान दिखी थी जब उन्होंने पाया कि इतने साल बीतने के बावजूद भी ईडी ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है। जी हां, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को फटकारते हुए कहा, नीदर 2019 ECIR हैज बीन फाइल्ड, इन अगस्त 2020 एंटीसिपेटरी बेल वाज ग्रांटेड, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, यू ईडी हैव नॉट इवन फाइल्ड अ कंप्लेंट अंडर PMLA। यहां जब अनिल टुटेजा के काउंसिल ने कहा कि जब से उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिली है तब से ही ईडी ने इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, तो जस्टिस अभय एस ओका एएसजी एसवी राजू को कहने पर मजबूर हो गए कि वे इस केस में एक अफिडेविट फाइल करें। मामला इंटेंस हो गया जब एएसजी एसवी राजू ने यहां पर अफिडेविट फाइल करने से मना कर दिया। जी हां, आपने सही सुना, ऐसा नहीं करने के पीछे का कारण बताते हुए ही स्टेटेड दैट इट विल पेंट अ वेरी बैड पिक्चर ऑफ द जुडिशरी। ये सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी गुस्सा हो गई, जिनको शांत करते हुए एएसजी राजू ने कहा भी कि सर्टेन इन्फॉर्मेशन कुडंट बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बट देयर इज ऑब्जेक्शनेबल कंडक्ट डन बाय द अक्यूज्ड एंड दे हैव मिसयूज्ड द एंटीसिपेटरी बेल। हालांकि जस्टिस अभय एस ओक का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो कहने पर मजबूर हो गए कि भला जुडिशरी का इस केस में क्या लेना देना है और ईडी को वापस से इस मामले में एक अफिडेविट फाइल करने को कहा। इस पॉइंट पर टुटेजा के लीगल काउंसिल ने स्टेट करना शुरू किया कि हिज क्लाइंट हैड कंप्लाइड विद ऑल ईडी समन्स सिंस द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ग्रांटेड हिम एंटीसिपेटरी बेल इन 2020, और उल्टा ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अभी तक इस मामले की जांच कैसे खत्म नहीं कर सकते हैं, एंड स्टेटेड इफ दे कांट फिनिश द इन्वेस्टिगेशन इन 4 इयर्स देन व्हाट कैन आई डू। जब एएसजी एसवी राजू को समझा कि वे कॉर्नर हो रहे हैं तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त की मांग की और कहा कि लॉर्डशिप्स आर राइट, आई एम नॉट रनिंग अवे, प्लीज गिव मी टाइम, आई विल प्लेस एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस मामले को अगस्त के लिए लिस्ट कर दिया है। इस केस की हिस्ट्री आपको बता दे तो इन 2015 द एंटी करप्शन ब्यूरो इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग रजिस्टर्ड द FIR अगेंस्ट शिव शंकर भट्ट एंड 26 अदर्स इंक्लूडिंग टुटेजा फॉर अलेज्ड ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 13(1)(e) एंड 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड सेक्शंस 109 एंड 120B ऑफ द IPC। इस मामले में अक्यूज्ड आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAN नागरिक आपूर्ति निगम पर ये इल्जाम लगा था कि इन दोनों ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाया है एंड हैव रिसीव्ड ₹2,21,94,000 एंड ₹1,51,43,000 रेस्पेक्टिवली
From May 2014 to February 2015, the corruption allegedly involved illegal collection of money by NAN officials for procuring substandard rice, resulting in substantial illegal earnings and systematic district-wise collections. Following ED summons on March 13, 2020, the applicants filed for anticipatory bail, और जिसके बाद ही उन्हें bail मिल भी गई थी। हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2022 में ED claimed collusion between accused and authorities and submitted before the apex court that a high court judge was in touch with people who were helping the accused. इस हियरिंग के दौरान ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने सजेस्ट भी किया था कि वे रिक्वायर्ड मटेरियल एक सील्ड फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट बेंच को दे देंगे, पर वहीं अनिल टुटेजा के काउंसिल इसके सख्त खिलाफ दिखे थे जब उन्होंने कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस और जजमेंट्स के खिलाफ होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा, जिनकी जांच ईडी कर रही है रिगार्डिंग एन अलेज्ड लिकर सिंडिकेट रैकेट इन छत्तीसगढ़ अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, काफी समय से ही ईडी के चंगुल में फंसे दिख रहे हैं। हालांकि फादर सन डुओ ने ईडी के खिलाफ एक पिटिशन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया है, और ये क्लेम किया था कि ईडी जानबूझकर इस मामले को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाना चाह रही है, जो ये है नहीं। और शॉकिंगली जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जल भुवन की बेंच ने इस बात से लास्ट ईयर अग्री भी किया था और ईडी को फटकारते हुए स्टेट किया था कि इफ देयर इज नो प्रेडिकेट ऑफेंस देयर आर नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देयरफॉर देयर कांट बी मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फादर सन के खिलाफ फाइल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को डिसमिस कर दिया था। आपको लगेगा कि ईडी यहाँ शांत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के 12 दिन के बाद ही वापस से अनिल टुटेजा को अरेस्ट कर लिया था आफ्टर फाइलिंग अ फ्रेश प्रोसिक्यूशन चार्ज शीट। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया भी कि अनिल टुटेजा के पीछे तो ईडी मानो हाथ धोकर पड़ गई है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जल भुवन मौजूद थे, ने नोटिस किया था कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच हैड स्टेटेड एज देयर इज नो शेड्यूल्ड ऑफेंस देयर कैनॉट बी एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज यू ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए। इफ देयर आर नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ऑब्वियसली ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए इज नॉट मेड आउट। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ऑर्डर में स्टेट भी किया था कि इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट द शेड्यूल्ड ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज वाई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए इन द छत्तीसगढ़ केस इज अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेड विद सेक्शन 120B, 191, 199, 200 एंड 2404 ऑफ आईपीसी। इट इज नॉट इन dispute that except for section 120B of IPC, none of the offenses are scheduled offenses. और कहा था कि इस केस में कोई scheduled offense नहीं है। भले इस केस में ED को फटकार मिली है, पर वहीं उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है जब former झारखंड CM हेमंत सोरेन को bail देने के साथ झारखंड हाईकोर्ट ने अपने order में state किया है कि the overall conspectus of the case based on broad probabilities does not specifically or indirectly assign the petitioner to be involved in the accusation and possession as well as concealment of 8.86 acres of land at Shanti Nagar Bargain, Rachi connected to the proceeds of crime. None of the register's revenue records bear imprint of the direct involvement of the petitioner in the accusation and possession of the said land. The consequence of the findings recorded by this court satisfies the condition as at section 45 PMLA 2002 to the effect that there is reason to believe that the petitioner is not guilty of the offense as alleged. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ईडी इतने सारे केसेस में क्या नया कदम उठा सकती है। टिल देन, की फॉलोइंग लॉ चक्रा।